Welcome to my channel. Second inning, life begins after 60. मैं हूं आपका दोस्त नीरज जैन। इस समय हम छोटा गिरनार जी में हैं। ये छोटा गिरनार जी टोंक रोड पे है। टोंक रोड से ये 9 किलोमीटर अंदर है। गांव में बापू गांव। बापूपुरा गांव है ये। ये अरिष्ट निवारक श्री नेमीनाथ जिनेन्द्राय पदमपुरा के पास ही पड़ता है। अगर आप पदमपुरा के दर्शन करने आए तो पास में ही है छोटा गिरनार, इसके दर्शन जरूर करें। पद्मावती माता की जय। ये पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है, छोटी सी पहाड़ी बनाई है, उस पे मंदिर है। हाँ, छोटा गिरनार, ये गुफा जैसा रास्ता बनाया हुआ है ये पूरा। दून नदी के किनारे बसा छोटा गांव जिसका नाम है बापू गांव। समशरण की तरह से दीक्षा कल्याणक चरण छत्री, ज्ञान कल्याणक छत्री। जल फलादि मिलाए काय गुण भक्ति भावम गाए, जजोष तुम्हें शिव तिय वर जिन वरागमन मिटा, पूजो भाव सु श्री पदम नाथ पद सार, पूजो भाव सु ओम देव श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय, अनर्पित प्राप्त है अर्घम निर्पाति स्वाहा। ये कितना अच्छा लग रहा है रास्ता बनाया हुआ है जो। हाँ, राजुल गुफा, ये शेषावन था अभी गए थे। ये राजुल गुफा बना रखी है, ये पद्म प्रभु भगवान का। ये राजुल और ये राजुल की गुफा बनाई हुई है। दर्शन अंदर भी है, राजुल गुफा बहुत सुंदर बनी हुई है। ध्यान से ध्यान से अरे वाह, एक साइड से जाना है एक साइड से आना है। नमो ओरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसामुणं, बहुत सुंदर गुफा लग रही है। बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे आके। निकली तो कई बार। हाँ, पर आज आए हैं हम लोग यहाँ पर। अनिरुद्ध कुमार भगवान, अनिरुद्ध स्वामी मिला के करो। नमो ओरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पनाशन मंगलम च सर्वसी परमो। गर्भ से प्राप्त 750 वर्ष प्राचीन महावीर भगवान की प्रतिमा जी होंगी यहाँ पर। वहाँ पर है सामने।
महावीर भगवान की जय। ये 750 साल पुरानी प्रतिमा जी हैं भगवान महावीर स्वामी की, जो भूगर्भ से प्राप्त हुई है। भाई वाह। जल फल वसु सजिहिं थार तन मन मोद दरु गुन गाऊं भव दधिता पूजत पाप हरु श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धी सन्मति दायक हो। ओम महावीर भगवान की प्रतिमा जी चहुमुखी चारों तरफ है। शांतिनाथ भगवान की जय। काशनाथ भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो की जय। जल फल वसु सजिहिं थार तन मन मोद धरो गुन गाऊं भव दधिता पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण दी सन्मति दायक हो। ओम श्री महावीर चिलिंद्राय नतपत्राप्ताय गम्य पांति स्वाहा की जय। शुचि निर्मल नीरव गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाच ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमर पर बलि बलि जाऊं मन वच काहे करुणा निधि भव दुख मेट ते मैं पूजूं प्रभु पाय। ओम क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नर्पत प्राप्ताय गम निर्पांति स्वाहा सुद्रव्य संवारी तुम ठेकेदारी आनंदकारी दिव्यारी तुम हो तुम थारी करना थारी आते थारी सरनारी श्री शांति जिनेशम नुचक्रेशम रिश्चक्रेशम चक्रेशम हनी हनि चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम वक्रेशम। ओम क्लीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नर्पत प्राप्ताय गम निर्पांति स्वाहा भूतवली को उपदेश देते हुए गुफा बनी हुई है। ये भी तो बिल्कुल अंधेरा है यहाँ तो, यहाँ पर है जय हो नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सव्यसाहनम ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनम मंगलाणम च सव्यसी पद्ममहावै मंगलम। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन जय जय हो प्रभु जय। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर ना। बहुत सुंदर दोनों तरफ छोटी छोटी प्रतिमा जी आज वो प्रवचन देते हुए। झरना बहता हुआ क्या बात है। बिल्कुल नेचुरल उसका बना रखा है, जैसे पहाड़ पे हम जा रहे हैं झरना जब बह रहा है। शंभु कुमार भगवान चौथी टोंक प्रद्युमन कुमार भगवान चरण भी बने हुए हैं प्रद्युमन स्वामी। जय हो जय हो जय हो। सामने भी है छोटी सी प्रतिमा जी, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वच्चारणम नमो लोहे सभ्य सामनम सुपंच नमोकार सर्व भाव अपनाश मंगलाणम च सभ्य सी परमामोहि मंगलम। ऊपर से छोटा गिरनार का व्यू गांव का, चारों तरफ हरियाली है। बापू गांव है ये। टॉक रोड में 9 किलोमीटर अंदर आके है। पदमपुरा के पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा ये प्रज्ञा सागर भोजनशाला। ये रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है।
हरियाली दिख रही है सब। आज मौसम खुला है, ठीक लग रहा है। नमोस्तु 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 भगवन् नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहूणं ऐसो पंचमोकारो सर्व पावपनाश मंगलम च सर्वसी पद्म होय मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जल फल आदि साज सुचिली ने आठो दर्भ मिलाए, अष्टम चिदि के राज करन को जजो अंग वसुना, दाता मोक्ष के शिरने मीनाथ जिन राय, दाता मोक्ष के ओम नि शिरने मीनाथ जिन राय, प्राप्त अर्घन पामति स्वाहा। प्रतिमा जी नीचे चरण भी बना रखे, चरण भी बने हुए हैं यहाँ पर नीचे नीचे भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल गिरनार की पहाड़ पे बनाया हुआ है वैसे ही बना के। राजुल गुफा भी बनाई है, हाँ सब अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कैसे पानी की आवाज आ रही है मंदिर से झरने की। शिखर पे जाने के लिए सीढ़ियां बना रखी है इन्होंने, ये लोहे की। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जय जय भाई, आप जरा सेतु के बारे में, छोटे गिरनार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए क्या सेतु है। जी जरूर सर, छोटा गिरनार 2008 में गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज चाकसू में चतुर्मास किए थे। उस समय ये नेमिनाथ भगवान का मंदिर था, या ये पहाड़ पे मंदिर पहले से ही था? नहीं, नीचे मंदिर था पहले है। अच्छा, ये मंदिर सब बाद में बने हैं। अच्छा अच्छा। गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज जब जयपुर से पदयात्रा आती थी तो उनसे चाकसू चतुर्मास के समय निवेदन किया गया कि गुरुदेव एक बार आप बापूगांव मंदिर में पधारें, पदयात्रा आती है। असोच के मैंने गुरुदेव उस समय आए, उन्होंने सब जगह के नारियल चढ़े थे उस समय कि हमारे भैया चतुर्मास के समय आप खुला रखें, लेकिन उन्होंने बापूगांव को ही खुला रखा और उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। तो वो चतुर्मास के समय बीच में असोच के महीने में आए थे। उस समय वार्षिक मेला होता था, जब यहाँ एक छोटा सा मंदिर था, ये जो आप कैंटीन है यहाँ छोटा सा मंदिर का 13x50। अच्छा, यहाँ पर जो कैंटीन है 2004 में उज्जैन सागर जी महाराज और इंद्रनंद जी महाराज के सानिध्य में एक मंदिर का निर्माण होकर के शिखर और वेदी वगैरह सब होकर के कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद गुरुदेव उस समय तो कुछ नहीं बोल के गए, निकल गए। बड़ा अच्छा मेला हुआ, 2-2.5 हज़ार आदमी आते थे, पदयात्रा भी आती थी जयपुर से कंटिन्यू 10-12 से 2000 से कंटिन्यू 16-17 तक चली। फिर उसके बाद दिल्ली वो उनका प्रवास रहा, दिल्ली प्रवास के लोग हम लोग कमेटी के लोग उनके पास गए कि गुरुदेव एक बार आपका और अगर आगमन हो तो हमारा एक कार्यक्रम कराएं। तो उस समय एक करीब 100 जोड़ों का विधान 30 नवंबर 2010 में गुरुदेव का वापस चतुर्मास के बाद, चतुर्मास तक दिल्ली में, तो उसके बाद वापस आए, अच्छा विधान हुआ, गुरुदेव भगवान के सामने बैठ करके अपने आप ही उसके बाद उन्होंने तत्काल कहा कि मेरा भाव है कि मैं यहाँ छोटा गिरनार बना। और मैंने ऐसा बोले भगवान से, ऐसा मेरा महसूस हुआ और उनके मुंह से निकला छोटा गिरनार, न तो हमने कभी कल्पना की थी।
2010 में छोटा गिरनार का उन्होंने मूर्त रूप देने के लिए घोषणा कर दी और 5 साल का उन्होंने समय दिया कि 5 साल का समय आपके पास है, आप जितनी भी जमीन मिल जाए तो ले लेना, उसके बाद मैं यहाँ पंच पहाड़ी बना करके एक दुनिया को याद दिलाना चाहूँगा कि बड़े गिरनार जो लोग नहीं जा सकते और जहाँ दर्शन नहीं हो सकते उनकी कृति पूरी में यहाँ बना करके और इसको उसमें मतलब क्षेत्र के रूप में विकसित करूँ। जो ही 2010 से 15 तक का समय जो निकल गया और ज़मीन कुछ मिली नहीं, बस एक ही भाग मिला मुझे 800 गज का करीब है। उसके बाद गुरुदेव का चतुर्मास फिर 2015 में चाकसू हुआ आदिश्वर धाम चाकसू में, वहाँ पंच कल्याण था। गुरुदेव ने सब कमेटी वालों को बुला करके कहा कि भाई हमारा समय पूरा हो गया, 2015 5 साल का हमने आपको समय दिया था, बोले आपने ज़मीन मिली नहीं महाराज, नहीं भगवान कहीं नहीं जाना चाहते, आप तो ये बताओ कि मंदिर वो छोटा गिरनार बनाना है, महाराज हम क्या बताएंगे, आप जानो आपको बनाना है, आपने घोषणा की कि मेरी घोषणा अधूरी रह जाएगी अगर आज मैं इसको नहीं कर पाया क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। 2015 में गुरुदेव, हमने कहा भाई ठीक है जैसा बनना कि भगवान कहीं नहीं जाना चाहते, यहीं आपको ख्याति प्राप्त होगी और यहीं सबसे बड़ा सब बोले पूरे देश में अपने आप में गौरवान्वित होगा, ठीक है महाराज हमको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने उसी समय पंडित जी मधुर जी थे मुंबई के, प्रदीप जी मधुर, उनसे मूर्त निकलवा लिया और 18 नवंबर 2015 को उसका शिलान्यास हुआ। 18 नवंबर 2015 को शिलान्यास हुआ, उस समय करीब अच्छे पैसे जो भी आते थे वो आए और हमने उसका कार्य चालू करवा लिया। चालू करा करके करीब 4 महीने में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, ये पहाड़ पूरा बन गया, पूरा स्ट्रक्चर मतलब जो निर्माण छतें वगैरह डालने का कार्य। इसके बाद गुरुदेव के पास मई के महीने में उज्जैन गए, गुरुदेव आपका ये नक्शे वक्से ले गए, फोटो ले गए इसकी, ये भूल गया और बोले अब इसको आगे कैसे डेवलप हो, हमारे पास तो पैसे वैसे जो उस समय करीब 60-65 लाख रुपये के लिए, गुरुदेव ने छूटते ही कहा कि यार पर तो चतुर्मासी कर लेते, उसके अलावा क्या बोला दोबारा, चतुर्मासी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा गुरुदेव चतुर्मास, हाँ संभव ही नहीं, नीचे नीचे इस हॉल में नीचे नीचे 4-8 कमरे बना रहे, बोले उनको आप तैयार कर लेना और हॉल में फर्श बचा लेना बाकी काम सब चलता है और आपको हो जाए आपके पास तो एक डोम की व्यवस्था कर लेना, एक भोजनशाला की व्यवस्था कर लेना जिससे आवा यात्री लोग आए करें तो अपना काम चलता। फिर उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है बोले इस कार्य को निपटाए, लेकिन शर्त यही है मेरी कि आपको पंच कल्याण नवम्बर के आखिरी में कराना पड़ेगा और मेरे पास पंच कल्याण में बैठने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है, आपको निमोड़ा समाज को भी बैठना पड़ेगा, ठीक है महाराज। बाकी आप मूर्तियों में और भी किसी में भी पंडित मत दो, कोई वेदी या मूर्तियाँ वगैरह मत दो, लेकिन पंच कल्याण में मेरे पास आप भी नहीं बैठे, भगवान की कोई ऐसी कृपा रही कि 22 जुलाई 2016 को उनका प्रवेश हुआ और उसके बाद ये यथावत काम 4-5 महीने में कंप्लीट हो गया। 200 मजदूर डेली 24 घंटा काम करते थे, 2 जनरेटर कंटिन्यू है चलते सारे दिन, यात्रियों का काफ़ी आवागमन रहा और गुरुदेव ने अपने मुंह से ये भी कहा कि मेरा ये स्वर्णिम चतुर्मास होगा, एक जंगल में भी ये चतुर्मास होकर के और मैं इस तरीके की मेरी व्यवस्था हूँ। 12 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी चौके की व्यवस्था थी वो हुई, हार यात्रियों के लिए भोजनशाला भी चली, शाम को पंडाल डोम में पूरी जनता बापू गांव के आसपास के लोग पूरे सुनने आते थे, खूब उनको आनंद रहा और उन्होंने अपना ये 28वां चतुर्मास उनका स्वर्णिम चतुर्मास रहा और उसके बाद तो आप देख लीजिए ये अपने आप में अनूठा बन गया है, बहुत सुंदर लग रहा है और जो कृति बनाई है उसके बाद गुरुदेव के पास जो भी यात्री आता है और उनके संपर्क में है वो जो भी जाता है वो यही कहता है गुरुदेव आपने बहुत अच्छा छोटा गिरनार, तो उनकी आत्मा बड़ी गदगद हो जाती है कि मैंने बड़े गिरनार की याद छोटे गिरनार से लोगों को दिलाई है। और मूर्ति भी मैं आपको साथ निवेदन करना चाहूँगा कि जो नेमिनाथ की मूर्ति है करीब करीब मतलब 11 महीने के अंतराल रहा, अच्छा पंच कल्याण हुआ, काफ़ी बड़ा विशाल हमने वहाँ खेत में जगह ली थी और वहाँ सब पूरा काम व्यवस्थित हुआ, एक भी कोई कील भी किसी के दर्द नहीं हुआ, इतने पूरे 11 साढ़े 11 भगवान जी की कृपा रही सब पे नियोजित हुआ। उसके बाद फिर हमारे एक महावीर भगवान की मूर्ति देखिए, संजोग की बात देखिए, निवाई में महावीर भगवान की मूर्ति निकली थी जमीन। अच्छा ये निवाई से निकली है? हाँ अच्छा भूगर्भ से
तो उनके यहाँ सम विषम की वजह से उनको विराजमान नहीं कर पाए। फिर उनके ही भक्त थे महावीर जी पराना वाले, वो गुरुदेव के पास यहाँ आए। जब पंचकल्याण तो पूरा हो गया था उसके बाद वो आए कि गुरुदेव ये मूर्ति है और वहाँ निकली थी और बोले सम विषम के चक्कर में हम वहाँ विराजमान नहीं करना चाहते, महाराज वर्मान का देखिए। तो अगर यहाँ अगर आपकी स्वीकृति हो जाए तो बोले, उन्होंने पंडित जी को दिखाया करा उस मूर्ति को और उन्होंने कहा मूर्ति बढ़ी। दो मूर्ति, एक मूर्ति और आई थी भरूच से, जो आपने ऊपर देखी होगी एक उस पे, वो भी भरूच से आई थी। अच्छा, वो भरूच से आई है, वो जो रेड वाली जो बाहर रखी हुई है जो, हाँ। उन्होंने पंडित जी को, उन्होंने इसको नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया कि वो थोड़ा डैमेज ज्यादा है, इसलिए उसको तो फिर मूर्ति के ऊपर वो ऐसा बना करके बोले यहाँ रख दो जिससे ये पूरा तत्व की तरह पाँव नहीं पड़ा। उसके बाद भगवान का पीछे बराबर जारी है। हमारे पहले भी बहुत सारे काम लोगों के ऐसे हुए यहाँ जिससे आप कह नहीं सकते। राहु वरिष्ठ निवारक हैं हम लोग, 22 शनिवार के लिए लोगों को रुका देते हैं कि जिस लोगों की भी राह नहीं बैठती हो, शादी से, ब्याह से, धंधे से और किसी भी प्रकार की, उसका भगवान नेमिनाथ राहु वरिष्ठ निवारक है। तो कई हमारे यहाँ लोगों की शांति धारा 10-15 लोगों की 22 शनिवार, 52 शनिवार, पूरे साल भर के शनिवारों की चलता रहता है, शांति धारा चलती रहती है। और भगवान का अतिशय के बारे में तो आप जितना कहोगे उतना भी कम है। बाकी भगवान जब भी मूर्ति को उठाने की हमने चेष्टा करी, पहले भी गांव वालों ने, हमने मतलब भीमोड़ा समाज में, तब भी मूर्ति हिलती नहीं थी। और ये गांव वाले भी नहीं चाहते थे भगवान की कोई ऐसी मर्जी थी। अभी छोटे से गांव में जंगल बिल्कुल देख लो, मंगल हो गया, जंगल से मंगल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। निकलते थे देखते थे छोटा गिन्ना का बोर्ड लगा कर, फिलहाल में अपनी सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। हाँ, भोजनशाला है, छोटी जिसमें निवास स्थान है, ऊपर से देखा अभी हमने, भोजनशाला चलती है, ऑर्डर से बनाते हैं, बाहर से कोई आके आके। कमरों का क्या रखा हुआ? 500 और नॉन एसी का 300, 2-3 जनों की अकोमोडेशन एक कमरे में, मतलब कोई आए तो यहाँ ठहर सकते हैं, आराम से ठहर सकते हैं। उसके अलावा एक नीचे हॉल है अपने पास बड़ा, इसमें 150-200 जनों का अपन खाना कर सकते हैं एट ए टाइम। अच्छा, कोई अगर फंक्शन में अच्छा खाना अलग से बनाना चाहे, अच्छी रसोई वगैरह की व्यवस्था है, आप चीज वाला प्रबंधक है और बहुत ही अच्छे हैं, बनी हुई है, आप शायद प्रबंधक है। जय जिनेंद्र भैया, भगवान का मंत्री है, बहुत अच्छा। कोई भी यहाँ पे कोई फंक्शन, मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला, भगवान की ऐसी कृपा रही कि मेरी बहू निमोड़िया की सरपंच बनी। अच्छा, और मेरा सेवा देने के लिए मेरे को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। मैं भी सांगानेर रहता था। अच्छा, सांगानेर से है, कोई ऐसी कृपा रही, गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि अपने समाज को कौन वोट देता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो 10 वोट वाले थे, हमारे को उन्होंने इसकी योग्य समझ करके, इस गाँव में एक भी अपना जैन परिवार नहीं, आज से नहीं और आज से पहले भी, ये मैं और कहना चाहता हूँ, आज से पहले भी बहुत सारे संघ, बड़े बड़े आचार्य धर्मसागर जी, विमल है कोई, ये प्रतिमा, और इससे हमारे को यही महसूस हो गया कि चौथी बार अंदर, हाँ चौथी बार ये माता जी को यहाँ तक बोल के गए, आप कितनी कोशिश कर लेंगे, ये प्रतिमा इस गांव को छोड़ दिया। आप बोले मैं पर्ची लिख देती हूँ एक जने को, आपको 12 महीने की मतलब अभिषेक के जो भी व्यवस्था करने हो खर्चा मिल जाए। फिर हमने सबने मिलकर के उस समय 200-200 रुपये दिए, और बहुत अच्छा, ये चौथी बार, पहले छोटा गिरनार, एक बार तो गुरुदेव का मणिपुर बिहार था, मेरा बच्चा भी था बिहार में, तो वहाँ मणिपुर में बोर्ड पर लिखा हुआ था कि पांडिचेरी में कि गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज छोटा गिरनार करने का किया, मंगल प्रवेश आज दिनांक 8 बजे होगा, जो ही गुरुदेव कर दो कि मैं जो तपोभूमि, इधर से भी रास्ता है अंदर दर्शन पे जाने का, नेमिनाथ भगवान की जो प्रतिमा जी अंदर है, जो अरिष्ट नाशक छोटा गिरनार, ये कार्यालय है यहाँ का। अंदर आने का रास्ता,
धर्मशाला और भोजनशाला। छोटे गिरनार पर ठहरने की और खाने की व्यवस्था है, पूर्ण व्यवस्था है, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं। बड़ी सुंदर धर्मशाला बनी हुई है। भोजनशाला है, आहार कक्ष, महाराज श्री के आहार के लिए आहार कक्ष भी बना है। अच्छा, बेसमेंट में भी है ऊपर जाने के लिए। ये एसी रूम है, एसी रूम है, डबल बेड पड़ा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ये अटैच लैट बाथ, ये अटैच वॉशरूम। अच्छा, साफ सुथरा, साफ सुथरा, यूरोपियन सीट लगी हुई है, सीट लगी हुई, सब तरह की सुविधाएं, एग्जॉस्ट वगैरह सब लगे हुए हैं, पूरी तरह की सुविधाएं हैं। और यहाँ पे हॉल भी है, यहाँ पे आप अगर कोई फंक्शन करना चाहें इस क्षेत्र पे आके तो आप छोटा सा फंक्शन भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करना है कुछ भी। अच्छा, इस पे, इस वाले फ्लोर पे तीन तीन एसी और एक नॉन एसी। एसी कमरे का 500 रुपए है, नॉन एसी का 300 रुपए रखा हुआ है। 500 रुपए एसी और नॉन एसी का 300। ओके, ये भोजनशाला है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, साफ सुथरी, छोटी सी, बहुत अच्छी, आरओ वगैरह सब लगा हुआ है, हर तरह की सुविधा है, सब सुविधा है। हाँ, कोई भी आए तो यहाँ रुक सकता है अपना। बहुत बढ़िया, बेसमेंट में इन्वर्टर वगैरह रखे हैं, बहुत अच्छा। छह वॉशरूम अलग से भी बनाए हुए हैं। बहुत बिल्कुल जैसे एक होटल होता है, बिल्कुल वैसी व्यवस्थाएं हैं सारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी एसी रूम है, वॉलपेपर लगा हुआ, कार्टन्स पड़े हैं, क्लीन वॉशरूम, हाइजीनिक, बिल्कुल किसी तरह की कोई साफ सुथरा, बहुत बढ़िया। बेसमेंट में भी हॉल है नीचे, जहाँ इन्वर्टर रखा हुआ था उसके नीचे। छुट्टी मनाने आ रही है, जय जयंत पे प्लांट लगा हुआ है, ऊपर छत पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, बढ़िया। सोलर गीजर के लिए, सब में गर्म पानी की व्यवस्था है, कमरे में, बाथरूमों में, बढ़िया, हर चीज के पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। ये हॉल है पूरा, यहाँ पे कोई भी फंक्शन भी कर सकते हैं। सही है, हाँ, डॉर्मेट्री, हाँ, आराम से, बिल्कुल। अच्छा, ये नीचे से जाने का रास्ता बाहर से, सही है, ये बाहर जाने के लिए अलग से रास्ता यहीं से, ताकि ऊपर से नहीं आना पड़े आपको बाहर से। हाँ, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, पूरी व्यवस्था। हाँ, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं ताकि सफोकेशन ना हो। सराहनीय है, ये छोटा सा गांव है, बिल्कुल इंटीरियर में, और यहाँ पे इतनी व्यवस्था होना सराहनीय है। हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छे से सब कुछ दिखा दिया इन्होंने, भैया ने हमें। ये 15x90 की जगह है। अच्छा, ये आठशाला, इसमें भी तीन छोटे कमरे बने हुए। अच्छा अच्छा, एक हॉल है जिसमें आहार होता है, एक भोजन कक्ष है। ये डोनेट करी हुई है किसी ने, यहीं गांव के थे, गांव के थे, उन्होंने डोनेट करी है, खंडेलवाल से। अरे खंडेलवाल, बहुत बढ़िया। रखे हुए ना कट्टे वगैरह रखे हैं सर।